आज हम बनाए जा रहे दिवाली स्पेशल स्वीट्स, ना मावा है और ना ही कोई ख़ास इंग्रेडिएंट्स है इसमें कि जो आपको मार्केट से लाना पड़े। और ख़ास बात यह है कि ये बिना गैस जलाए हम बनाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रितु और माय यूट्यूब चैनल रितुस फूड जोन में आपका स्वागत है। तो यहाँ हमने एक मिक्सर जार लिया है, एक कटोरी शक्कर, एक कटोरी मिल्क पाउडर और एक कटोरी कोकोनट बूरा। आप इनको किसी भी कटोरी से मेज़र या कप से मेज़र कर सकते हो। और यहाँ लिया है हमने एक छोटे से गिलास से दूध, जितना ज़रूरत होगी हम उतना ही दूध ऐड करेंगे। तो यहाँ हम तीनों सामग्री को मिक्सर जार में ऐड कर देते हैं। आप इनकी क्वांटिटी अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं अगर आपको ज़्यादा मिठाई बनानी है। तो चलिए आगे की प्रोसेस करते हैं। इसको ढक्कन लगाकर हम अच्छे से फाइन पाउडर बना लेंगे। इसको हमें अच्छे से पीसना है। तो देखिए ये पीसकर कंप्लीट हो गए। आपको इस तरह के पाउडर बनाकर कंप्लीट करनी है। एकदम पतला होना चाहिए। अगर आपके पास शक्कर पीसी हुई है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। तो इसको हम एक बाउल में निकाल लेते हैं और इस दिवाली इस मिठाई को डेफिनेटली ट्राई करें। आई होप कि आपको ये पसंद आएगा ट्राई करने के बाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे है तो प्लीज़ इसको शेयर और लाइक कर दीजिए। मुझे कमेंट करके भी आप बता सकते हैं। तो यहाँ हम थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। आप एक साथ ज़्यादा दूध ऐड नहीं करें। और हाँ, अगर आप शुगर पेशेंट हैं तो जो मैंने चीनी ली ना, इसकी जगह आप शुगर फ्री ले सकते हैं। नहीं तो आप इसकी जगह शहद का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप शहद का यूज़ करेंगे इसको बनाने के लिए हनी का, तो आपको दूध की आवश्यकता नहीं रहेगी। आप चाहें तो इसमें काजू पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, ये भी टेस्ट को काफ़ी बढ़ा देता है। तो चलिए इसका हम एक डो कंप्लीट कर लेते हैं बनाकर, फिर देखते हैं हम आगे क्या करना है। तो अच्छे से चलाते हुए ही इसको करना है। आप एक साथ ज़्यादा पानी सॉरी दूध ऐड नहीं करें, नहीं तो आपको इसको बाद में एडजस्ट करना पड़ेगा कोकोनट बूरा या फिर मिल्क पाउडर के लिए। तो हमने इसका एक मीडियम थिकनेस का डो बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब इसको 5 से 7 मिनट के लिए रख देंगे। देखिए इसमें इतना ही मिल्क लगा है। 5 से 7 मिनट बाद देखते हैं इसको। तो यहाँ मैंने एक पॉलीथीन सीट ली है, उस पर थोड़ा सा घी लगा दिया था ताकि ये मिक्सर चिपके नहीं। और हम इसका एक बॉल बना लेंगे, सॉरी एक रोल बना लेंगे। जितना भी थिकनेस हमें इसका चाहिए, जितना भी पतली या लंबी हम बनाना चाहते हैं बर्फी, जो रोल है उसके हम बर्फी काटेंगे। तो यहाँ हमने अच्छे से रोल कर लिया अपने अकॉर्डिंग। आप इसको एकदम गोल बनाना चाहें तो गोल बना सकते हो, थोड़ा सा ओवल बनाना चाहें अपनी मिठाई को तो बना सकते हो, जैसा भी आपको पसंद हो। तो यहाँ इसको हम अच्छे से रोल कर लेंगे और रोल करने के बाद हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में स्टोर करेंगे। तो यहाँ 10 से 15 मिनट हो गया था और मैंने रोल को फ्रिज से निकाल लिया है। देखिए ये हल्का सा सेट हो गया है। अगर आपको थोड़ा सा और सेट करना है तो आधे घंटे के लिए इसको फ्रिज में आप रख सकते हैं। इस ये थोड़ा सा और टाइट हो जाएगा। और यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ, ये इसके काफ़ी बढ़ा देती है इसके लुक को। आप ये चांदी की बर्फी की जगह इसको ड्राई फ्रूट्स के पाउडर में भी कोटेड कर सकते हैं, या फिर आप तिल या जो होता है ना खसखस, उसमें भी कोटेड कर सकते हैं। और ये जो सिल्वर का जो वर्क है ना, ये आपको किसी भी जनरल सॉरी किराने की दुकान पर मिल जाएगा आसानी से, और ये ज़्यादा महंगा भी नहीं आता। हमने अच्छे से पूरा इसको कोटेड कर लिया है और अब हम इसको हाफ हाफ इंच के स्लाइस में कट कर लेते हैं। देखिए आराम से, आपको ये कट करने में ही लग रहा होगा कितना सॉफ्ट और एकदम परफेक्ट मिठाई बनकर कंप्लीट हुई। अगर आपको बिल्कुल भी मिठाई बनाना नहीं आता है तो इसको ज़रूर ट्राई करिए। आप इसको बहुत सारा बनाकर स्टोर कर सकते हैं, ये काफ़ी दिन चल जाएगा। और जैसा मावे का टेस्ट आता ना, उसी तरह से इसका टेस्ट भी आपको मिलने वाला है। इतने कम समय में, सिर्फ 5 मिनट में बनकर कंप्लीट हो जाता है ये मिठाई। और इसको एक बार आप ज़रूर ट्राई करें अगर आप चाहते हो कि घर में ही कुछ स्वादिष्ट मिठाइयाँ बनाई जाए।
चांदी का वर्क है, इससे इसका लुक काफ़ी बढ़ जाता है, टेस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो एक बार इसको बनाकर ज़रूर देखिए, और कौन कौन बनाएगा मुझे ज़रूर बताए कमेंट करके। देखिए इसके एकदम दाने दाने से लग रहे हैं, और तोड़ के भी बता देती हूँ, ये एकदम होटल स्टाइल सॉफ्ट बनी है, और होटल से भी ज़्यादा स्वादिष्ट है क्योंकि हमने इसमें फ्रेश इंग्रेडिएंट्स ऐड करे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, उसमें ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।